धार जिले के कुक्षी में चोरी करके वापस लौट रहे 3 जिकलीगरों को बड़वानी पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,04,900 से अधिक की राशि जब्त की है। एडिशनल एसपी सुनीता रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि कसरावत पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान कुक्षी की ओर जा रहे 3 जिकलीगरों को रोका गया। उनके वाहन में कागजात के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा कागजात घर पर होना बताया। उसके पास रखे एक थैले में नकदी रुपये के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने रुपयों के संबंध में गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद उनकी कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने उक्त रुपये अलमारियों के ताला चाबी सुधारने के दौरान कुक्षी के 3 अलग अलग जगह से चोरी करना कबूल किया है। वहाँ से फरार होकर वापस लौटने की बात कबूली की। तीनों आरोपी अंजर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके सुनील उर्फ गुलशन पिता चिराग के ऊपर पूर्व में भी इंदौर और बड़वानी थाना क्षेत्र में मामले दर्ज हैं। तीनों आरोपियों से पुलिस ने 2,04,000 और एक पल्सर बाइक जब्त की है। तीनों आरोपियों के खिलाफ कुक्षी में अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। बड़वानी सेशन कुमाऊँ की रिपोर्ट। सर, ये चिकलीगरों को आरोपी बनाया, क्या है पूरा मामला ये? कल कसरावत पुल पर रोजाना की तरह हमारे यहाँ चेकिंग लगी हुई थी। चेकिंग में सब इंस्पेक्टर निर्वेल और उनके साथ में 4 जवान थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर 3 सिकलीगर कुक्षी की तरफ से लौट रहे थे। इन्होंने रोका और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कुक्षी बताया विदाउट मास्क थे, तो इन्होंने रोक के और मास्क लगाने के लिए कहा, तो वो नाराज़ होने लगे कि नहीं आप लोग हमारे ऊपर फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर वीडियो ऑन करके और जब उनकी मोटरसाइकिल चेक की गई, उनको उतारा गया कि हम आपकी गाड़ी में नंबर नहीं है और हम इसको चेक करेंगे। जब वो उनको चेक किया तो उनकी गाड़ी में डिग्गी में पीछे की तरफ ये 2,80,000 रुपये उसमें छिपा के रखे हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि ये पैसे कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने सुअर बेचे हैं और उसके पैसे हैं और हमारे रिश्तेदार के हैं। जब थोड़े कड़ाई से पूछताछ करी तो फिर उन्होंने कबूल किया कि कुक्षी में हम लोगों ने 2-3 जगह पर अलमारियों के ताले सुधारे। ताले सुधारने के दौरान जो मकान मालिक है उसको पानी लाने के लिए भेजा और अलमारी में रखे बैग को हमने चुपचाप हमारे बैग में रख लिया और इस तरह से हमने 3 जगह से जो है अलग अलग रुपये निकाल के और वहाँ से हम फरार हो गए। उसी दौरान ये वहाँ से अपने अंजड़ के रहने वाले हैं, ये लौट रहे थे। लौटते में जब इनको चेक किया तो ये मशरू का बरामद हुआ है। क्या पूर्व में अपराध है इनके खिलाफ? जी हाँ, जो सुनील है उसके खिलाफ पूर्व में 3 अपराध हैं, चोरी के। कहाँ पे किए हैं इन्होंने? दूसरी घटना कहाँ पर अंजाम दी? कुक्षी में ही दी, वहाँ पर कस्बे में अलग अलग जगह पे ये मोहल्ले में घूमते हैं, ताला चाबी सुधरवाने के नाम से आवाज़ लगाते हैं कि किसी का ताला खराब है या अलमारी खराब है तो उसको सुधरवा लें। 3 लोगों ने कल बुलाया इनको अपने घरों में, जहाँ से इन्होंने अलग अलग राशि वहाँ से चुराई है। ये तीनों रहने वाले कहाँ के? ये तीनों अंजड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले। पूर्व में जो घटना की इन्होंने वो कौन किस थाना क्षेत्र? ये बड़वानी और अंजड़ थाना क्षेत्र के। कुल कितने राशि जब्त की इनसे? अभी 2,04,000। क्या मामला हुआ आपके? तिजोरी की कुर्सी खुलवाना थी, तिजोरी का जो ढक्कन फेक था, इसने बोला मेरे को गोदरेज की चाबी लाके दे दो, मेरे को चाबी लाके दे दी, इससे मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद मेरे को पानी लिया बाहर से, फिर एक वो लिया तार का टुकड़ा एक, फिर बोला कि रुई ले आओ थोड़ा सा, और मेरे को इसने 2 बार बाहर भेज दिया। इतनी देर में इसने वो गड़बड़ कर दी, उधर गोदरेज पास में थी तिजोरी के। कितने रुपए थे? अब मेरे को भी पूरा ध्यान नहीं, 55,000 रुपये तो फिक्स है, उसमें 100-100 के 5 बंडल है, मतलब 50,000, और 10 के है, 20 के है, उसमें खुले 50 के है, न्यू नोट है वो। ये कैसे, रोज घूमते थे या फिर पहली बार दिखे? पहली बार दिखे मेरे को तो। और भी कहीं और